नमस्कार, आप देख रहे हैं ENN भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति। राजस्थान की राजनीति में विधानसभा चुनाव के चलते बहुत हलचल है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी पार्टी को बेहतर बैटिंग के लिए तैयार कर रही हैं। कांग्रेस सरकार राज्य की जनता और विधायकों को तोहफे और नई सौगातें दे रही है, तो दूसरी तरफ घनघोर गुटबाजी की मारी बीजेपी अंदरूनी कलह खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से 8 महीने पहले राजस्थान संगठन में बड़ा बदलाव कर चौंकाया है। सतीश पूनिया की जगह चित्तौड़गढ़ से सांसद CP जोशी को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी ने कई बार नए चेहरों को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मौका देकर चौंकाया है। बीजेपी राज्य में अशोक परनामी की जगह चुनावी साल में मदन लाल सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर चौंकाया था। सैनी के देहांत के बाद सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी दी गई थी। केंद्र में सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने हर बार नए चेहरों को मौका देकर चौंकाने वाला ट्रेंड बरकरार रखा है। पूनिया अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और उन्हें एक्सटेंशन भी दिया गया था। करीब करीब तय था कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव तक पूनिया ही प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। ABVP से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले CP जोशी संघ के नजदीक माने जाते हैं। सतीश पूनिया भी RSS बैकग्राउंड से ही आते हैं। अब उनकी जगह उन्हीं जैसे सियासी बैकग्राउंड के नेता को राजस्थान में संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। 58 साल के पूनिया के मुकाबले जोशी यंग भी हैं। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की ओर से जोशी की नियुक्ति संबंधी पत्र जारी किया गया। चर्चा यह है कि पूनिया को अब राष्ट्रीय संगठन में जगह मिल सकती है। राजस्थान बीजेपी में CM फेस की लड़ाई के बीच संगठन में इस बड़े बदलाव की चर्चाएं शुरू होने लगी हैं। सियासी जानकार इसके कई मायने निकाल रही हैं। अब नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति भी जल्द होने के आसार हैं। गुलाब चंद कटारिया के राज्यपाल बनाए जाने के बाद से यह पद खाली है। ऐसे में अब नेता प्रतिपक्ष गैर ब्राह्मण चेहरा होने के आसार हैं। CP जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने मेवाड़ को साधने की कोशिश की है। मेवाड़ में ब्राह्मण और वैश्य बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है। उदयपुर से विधायक रहे गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाए जाने के बाद मेवाड़ में बीजेपी के पास कोई प्रभावी नेता नहीं रह गया था। ऐसे में जोशी को नई जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने इस बेल्ट में खुद को मजबूत बनाने का प्रयास किया है। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा जिलों में ब्राह्मण और वैश्य वर्ग का खासा वोट बैंक है। जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने ब्राह्मण वोटर्स को मैसेज देने की कोशिश की है। ब्राह्मण बीजेपी का सबसे बड़ा कोर वोटर रहा है। ऐसे में इस बड़े वर्ग को साधने के हिसाब से इस नियुक्ति को अहम माना जा रहा है। बीजेपी के पिछले 42 साल से ज्यादा के इतिहास में राजस्थान में 22 साल से ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष इसी वर्ग से रहे हैं। भाजपा के इस फैसले से लग रहा है कि भाजपा जातिगत समीकरण साधने में जुट गई है, क्योंकि महापंचायत में शामिल ब्राह्मण समाज ने मांग उठाई थी कि राज्य का मुख्यमंत्री ब्राह्मण समुदाय के किसी व्यक्ति को बनाया जाए। इसलिए ब्राह्मण समाज को खुश करने के लिए और उनका विश्वास जीतने के लिए भाजपा ने यह बड़ा और अहम कदम उठाया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।